जी हां, थानेसर विधानसभा क्षेत्र का युवा मतदाता सम्मेलन ऐतिहासिक और यादगार साबित हुआ। आज धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के रॉयल पैलेस में आयोजित युवा मतदाता सम्मेलन सही मायनों में ऐतिहासिक और यादगार रहा। इस सम्मेलन में हजारों की संख्या में नव मतदाता शामिल हुए। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य साहिल सुधा इस युवा मतदाता सम्मेलन के संयोजक रहे। इस मौके पर विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक मतदाता को अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। इस वर्ष हरियाणा प्रदेश में नए मतदाताओं को पंजीकृत करने का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इस वर्ष 5 लाख से ज्यादा नए मतदाताओं को पंजीकृत किया गया है। इसमें 1,41,000 से ज्यादा युवा मतदाताओं से ज्यादा युवा मतदाताओं की संख्या है। विधायक सुभाष सुधा ने पिपली रोड स्थित रॉयल प्लेस में थानेसर विधानसभा क्षेत्र के इस युवा मतदाता सम्मेलन में उमड़े नव मतदाताओं को संबोधित किया। इससे पहले विधायक सुभाष सुधा, भाजपा के प्रदेश सचिव राहुल राणा, भाजपा युवा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य साहिल सुधा, नगर परिषद की निवर्तमान अध्यक्षा उमा सुधा, जिला परिषद के वाइस चेयरमैन धर्मपाल चौधरी डीपी ने दीप प्रज्वलित कर विधिवत रूप से इस युवा मतदाता सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस दौरान हजारों युवा नए मतदाताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑनलाइन प्रणाली से संबोधन सुना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी युवा मतदाताओं से अपने मत के अधिकार का प्रयोग करने के लिए आह्वान किया। विधायक सुभाष सुधा ने युवा मतदाताओं को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अधिक से अधिक मतदान करने की आवश्यकता रहती है, इसलिए प्रत्येक मतदाता को अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। इस युवा नव मतदाता महासम्मेलन में हजारों नए मतदाता शामिल हुए हैं। इन सभी मतदाताओं को हरियाणा प्रदेश में आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में अपने मत का प्रयोग जरूर करना चाहिए। भाजपा के प्रदेश सचिव राहुल राणा ने भी नए मतदाताओं को अपने मत का प्रयोग करने की अपील की। भाजपा के युवा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य साहिल सुधा ने युवा मतदाताओं का स्वागत करते हुए कहा कि इस युवा मतदाता सम्मेलन में थानेसर विधानसभा क्षेत्र से हजारों की संख्या में नए मतदाता पहुंचे हैं। इन मतदाताओं को अपने मत का प्रयोग करने के प्रति जागरूक किया गया है। नगर परिषद की निवर्तमान अध्यक्षा उमा सुधा ने भी मतदाता सूची में शामिल हुए नए मतदाताओं को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर पार्षद मोहनलाल अरोड़ा, पार्षद नरेश शर्मा, मास्टर बलदेव सरपंच सरदार गुरप्रीत सिंह, चांद दत्ता, कुरुक्षेत्र मंडल अध्यक्ष दीपक चौहान, मीडिया प्रभारी हिमांशु भारद्वाज, प्रोफेसर विनय पाठक, दुष्यंत बख्शी, प्रोफेसर मीनाक्षी आदि भी मौजूद रहे। नमो नव मतदाता को आज संबोधित किया, उनकी खुशी में आज यहाँ पर देखो किस प्रकार से हमारे रोल जोर में बच्चे आए हैं। और मैं कहूँगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये मार्गदर्शन दिया कि पहली वोट जो किस प्रकार से अपने प्रयोग करनी है, ये देश के निर्माण के लिए 2047 के विजन के लिए अपनी वोट को ये हम क्या प्रयोग करेंगे। मैं इस प्रकार आज जो यहाँ पर नमो मतदाता आए हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ। आज के संयोजक हमारे छोटे, मैं कहूँगा साहिल सुधा जी, हमारे बीच में हमारे प्रदेश की कार्यकारिणी के सदस्य आदरणीय राहुल राणा जी यहाँ पर पहुँचे, डीपी चौधरी जी यहाँ पहुँचे, हमारे बलदेव सैनी जी यहाँ पर पहुँचे, हमारे मंडल अध्यक्ष हमारे अब दीपक चौहान जी, मंडल अध्यक्ष हरीश जी, हमारे रावत जी, सभी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ कार्यकर्ता पहुँचे। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम का बड़ा खूबसूरत यहाँ पर आज कार्यक्रम किया। बच्चों 18 से लेकर 25 साल का मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू विधायक जी। तो पहली बार वो वोट डालने के लिए आता है तो उसके मन में बड़ा वोट, अभी पहली बार वोट डाल रहा हूँ उसके बारे में क्या? देखिए 18 साल का जो बच्चा आता है उसको देश के प्रति कितना प्रेम, और उसकी पहली वोट जो डलती है वो सोचता है कि ऐसे प्रधानमंत्री को डाला जाए जिसने पूरे विश्व के अंदर हमारे देश का नाम आज रोशन किया है। तो ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आशा लेकर ये बच्चे आज कड़ती हुई ठंड के अंदर यहाँ पर अपने आप आए हैं। आप देख सकते हो तो ये सरकारी स्कूल नहीं है, ये रोल रिजोर्ट के अंदर इतने बच्चों को आना, कार्यक्रम तो हम किसी स्कूल में भी कर सकते थे लेकिन एक प्राइवेट रिजोर्ट के अंदर सुबह बच्चे 9 बजे से यहाँ पर आना, ये अपने आप देख रहे हैं कि तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कितना प्यार करते हैं, कितनी आस्था रखते हैं। उनके आज प्रवचन सुनने, उनके आज मार्गदर्शन सुनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए बच्चे यहाँ पर पहुँचे हैं कि जैसे नमो मतदाता वोटर जो है उसके लिए आज यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं बच्चों का भी धन्यवाद करता हूँ कि जिन बच्चों का इतना प्रति प्रधानमंत्री के प्रति इतना प्यार है। भारतीय जनता पर आग है, बढ़ रही है, जिससे विपक्ष जो है घबराया हुआ है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है देश के अंदर वो करके दिखाया है। उन्होंने एक बात कही थी कि विदेशों के अंदर जहाँ भी भारतीय रहते हैं उनको भारतीय कहने का हक दिलवाया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने G20 लेके आए भारत में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और आज मैं कहूँगा उन्होंने एक बात कही थी कि अयोध्या के अंदर राम मंदिर बनेगा, तो राम मंदिर बनाकर दिखाया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहते हैं वो करते हैं। तो आज
मैं कहूँगा नमो नमो मतदाता वोटर को जो बुलाकर यहाँ पर उन्होंने कहा है कि वोटर भी उन्हीं को डालेंगे। अब मैं कहूँ भारतीय जनता पार्टी दिन रात काम करती है, कि घर बैठ के काम नहीं करती, कि रोज मास्क के अंदर करती है। आज मैं कहूँगा अंत्योदय गरीब के जो लास्ट गरीब आदमी है उससे तक किस प्रकार से सरकार के बेनिफिट पहुँचे, ये अगर सोच है, अगर ये विजन है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का विजन है। इस प्रकार से आपने देखा है गाँव गाँव में जाकर घर घर जाकर, पहले क्या होता था कि लोगों को वोट लेने के बाद लोगों के सरकार के पास जाना पड़ता था, अब सरकार लोगों के घर घर तक गई है। आपने देखा होगा पूरे डिपार्टमेंट उनके पास गए हैं, किस प्रकार से उनको किसी को बीपीएल कार्ड नहीं बना, किस प्रकार से उज्जवला योजना के तहत किसी को बेनिफिट नहीं मिला, आयुष्मान का बेनिफिट मिला, लोगों के घर देने गई है सरकार। ये पहली सरकार है जो लोगों के द्वार द्वार पर जाकर ये कहती है कि बताओ आपका कोई कार्य ना रह गया हो, तो पहली बार आपने ऐसा देखा होगा। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी 2024 में भी तीसरी बार मैं कहूँगा सेंटर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 400 पार सीटों से सरकार बनाएगा, और हरियाणा प्रदेश के अंदर भी मनोहर लाल की तीसरी बार पार सरकार यहाँ पर बनाएगा। देखिए राम मंदिर जो राम का है, जो राम का नहीं है वो किसी का नहीं है। राम भगवान तो हमारे दिलों में बसे हुए हैं, कण कण में हमारे राम भगवान है। तो जितनी मैं कहूँगा सृष्टि की रचना ये भगवान राम की देन है, और राम का मंदिर बनाने से किस प्रकार से अयोध्या के अंदर 500 वर्षों की लड़ाई के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पर किस प्रकार से आज प्राण प्रतिष्ठा करी, ये अपने आप देखने वाली बात है। आज मैं कहूँगा दीपावली की तरह पूरा यहाँ पर खुशियाँ मनाई गई, लोगों ने अपने दिए जलाए, किस प्रकार से आप देखते होंगे लोगों ने नमक पाठ किए, बहुत सी चीज़ें लोगों ने की। सनातन धर्म एक हिंदुस्तान में एक सनातन धर्म ऐसा है जिसे लोग विश्वास करते हैं। तो आज मैं कहूँगा हमारी बहनों को खास तौर पर मैं उन्हें नमन करूँगा जिन्होंने मंडलियाँ बनाकर घर घर में क्या मैं कहूँगा किस प्रकार से उन्होंने वो निकाली अक्षत बांटे, उसके साथ साथ उन्होंने घर घर जाकर लोगों को इन्वाइट किया। तो ऐसी बहनों को नमस्कार करता हूँ जो राम की भगत है, उनके लिए मैं कहूँगा आज अयोध्या मंदिर बनाए। आज इस बात की चिंता है कि अयोध्या मंदिर तो बन चुका है, लेकिन लोगों के अंदर पीड़ा है, दर्द आज भी है कि हमें बहुत जल्दी से जल्दी अयोध्या के दर्शन कराए जाए, अयोध्या मंदिर के दर्शन कराए जाए। उसके लिए मैंने प्रदेश के अपने अध्यक्ष आदरणीय श्री नायब जी सैनी से रिक्वेस्ट करी है, एक पूरी ट्रेन हमें दी जाए, हम उसको बुक कराएंगे, पूरी की पूरी ट्रेन फिनेसर की हम अयोध्या में लेके जाएंगे, ऐसा मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी है। कैसी ट्रेन मिलेगी नक्षत्र वासियों को वहाँ पर लेके जाऊँगा, और ख़ास तौर पर अपनी बहनों को अवश्य उसमें दर्शन कराने लेके जाऊँगा। आज हरियाणा का युवा एक बात को तो समझ ही गया है कि अगर उसे मेहनत करके अपनी पढ़ाई के ऊपर, अपने स्पोर्ट्स के ऊपर अगर उसे कहीं सरकारी नौकरी मिल सकती है, कहीं उसे इंसाफ मिल सकता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही मिल सकता है। आज हरियाणा सरकार बिना खर्ची के, बिना पर्ची के हर युवा को नौकरी दे रही है, मेरिट के ऊपर युवा जो है वो आगे आ पा रहे हैं। हम जब सरकारी दफ्तरों में जाते हैं तो जो सामने बैठा हुआ व्यक्ति होता है वो सरकार की छवि होती है, तो आज ईमानदार लोगों को हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने उन कुर्सियों पर बिठाने का काम किया ताकि वो लोगों का काम जो है वो ईमानदारी से करें। जिसको ईमानदारी से नौकरी मिलती है उससे सभी लोग यही अपेक्षा करते हैं कि वो ईमानदारी से लोगों की सेवा करेगा। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक अनोखी सी बात कही, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि हमारे घोषणा पत्र के अंदर जितने हमारे नवमतदाता हैं जो पहला वोट देने जा रहे हैं मोदी जी को, आप वोट देने से पहले अपनी भागीदारी, अपनी आहुति उसमें डालें और हमें सुझाव भेजें कि आप घोषणा पत्र में युवाओं को और आगे लेके जाने के लिए देश में और विदेश में वो किस प्रकार आगे बढ़ सकें और अपने देश का नाम रोशन कर सकें, उसके लिए वो अपना घोषणा पत्र के अंदर कोई भी सुझाव चाहते हैं तो उन्हें दें। मैं सभी युवाओं से मैं आग्रह करूंगा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हमें मिले हैं जो युवाओं से जानना चाहते हैं कि वो और युवाओं के लिए क्या कर सकते हैं, उन्होंने पहले कितना कुछ करा, पूरा देश पूरा विदेश आज राम मैं हो गया, इतनी बड़ी चीज़ जो उन्होंने इतने सनातन धर्म के अंदर, इससे बड़ा खुशी का दिन कोई नहीं हो सकता। पर वो आज भी मोदी जी ने इतना करने के बाद भी आज वो चाहते हैं कि युवा जो है मेरा मार्गदर्शन करे, मुझे सुझाव दे कि मैं और ज़्यादा युवाओं के लिए क्या कर सकता हूँ। तो आज ये एक अनोखी चीज़ हमें देखने को मिली है। मैं थानेसर में हुए हमारे इस कार्यक्रम के लिए मैं आदरणीय हमारे प्रदेश सचिव हमारे राहुल राणा जी,
मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि वो हमारे बीच में आए, और हमारे मुख्य वक्ता श्री सुभाष चौधरी जी जो कि हमारे थाने स्तर से विधायक हैं, मैं दोनों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और सभी बच्चों का जो यहाँ पर आए, सभी लोग, पूरी टीम मेरी जिन्होंने आज इस बच्चों को जो है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, जैसा कि अभी राहुल जी ने बताया कि 1000 की संख्या हमें सभी को दी थी और हमने यहाँ 2000 की संख्या का कार्यक्रम करा, कि हम चाहते थे कि अधिक से अधिक युवा जो है वो इस कार्यक्रम में जुड़े और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विचारों को सुने। तो आज एक अनोखी सी बात उन्होंने कही कि मैं चाहता हूँ युवा मुझे सुझाव दें कि मैं अब की बार 2024 के चुनाव में उन युवाओं के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए हम और क्या बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए उनसे सुझाव मांगे गए हैं। तो मैं सभी युवाओं से, आपके चैनल के माध्यम से, मैं सभी युवाओं से आग्रह करूंगा कि अपना सुझाव जरूर दें। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश उद्वा की रिपोर्ट।